दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल ऑर्गेनिक एंड हाइड्रोपोनिक अर्बन ग्रो प्रो पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी जो बेल वर्गीय सेम या लोबिया की जो बेले है उसको हमारे जो हमने घर के गार्डन में उगाई है उसमें छोटी सी जगह में उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा किस तरह लिया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इन बेलों में क्या करें ताकि हमें छोटी से छोटी जगह में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले। ये सारी बातें आज के वीडियो में आपसे मैं साझा करूंगा, तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो ये मेरी बेल वर्गीय फसलें हैं जिसको मैंने ग्रो बेड में लगाया है। ग्रो बेड में मेरा मीडिया ऑर्गेनिक है। शुरू में हमने सोचा था कि हम इसके साथ मक्का लगाएंगे और इन सारी बेलों को मक्के के ऊपर सपोर्ट देकर अच्छे उत्पादन लेंगे, पर हुआ ये कि मक्के की प्लांट की ग्रोथ उतनी नहीं हुई जिस पर हम बेलों का सपोर्ट ले पाए। इसलिए हमने क्या किया कि इन बेलों को एक मंडप बना के ऊपर ट्रेन कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं कि सारी बेलें करीब मंडप के ऊपर तक पहुंच गई है। अभी आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी होने के बाद भी इसमें कोई इसी तरह भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग कुछ भी नहीं आई है। अब हमें इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग लाना है क्योंकि ये 35 दिन की हो गई है। तो इसमें अभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेने के लिए हमें क्या करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो बेले वर्गीय सब्जियां होती है उसमें एक एपिकल डोमिनेंस फिनोमिना होता है। इसका मतलब बेलों की जो सबसे ऊपर की भाग है ग्रोथ वहीं से होती है, यानी जो जड़े खुराक और पानी लेती है वो सबसे पहले ऊपर वाले को पहुंचाती है, उसके बाद में वो नीचे 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 देती जाती है। और जो फल धारणा होती है वो हमेशा साइड वाली ब्रांचेज में यानी साइड शूट्स में होती है। अभी बेल यदि ऊपर ही बढ़ती रही तो साइड वाली ब्रांच जल्दी नहीं निकलेगी और फलधारणा जल्दी नहीं होगी। तो फलधारणा जल्दी लाने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जिसको मैं अभी बारी बारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये कर सकते हैं कि हम इसका मंडप ना बनाएं और बेलों को जमीन पर ही फैलने दें। इससे क्या होगा, इसमें कोई एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा, हर जो उसकी गांठ है वो लेवल पर होगी। इससे काफी सारी फुटान उसमें से साथ में आएगी और उसमें खूब सारे फूल फल लग सकते हैं। पर इससे क्या होगा, बेल जमीन पर जब रहेगी तो जमीन के संपर्क में रहने से जो फलियां आएगी वो खराब होने का डर है। दूसरा, ये काफी सारी जगह रोकेगी, इससे हमें छोटी जगह में ज्यादा उत्पादन भी नहीं मिलेगा। और तीसरा, बेलों में रोग वगैरह जल्दी आ सकते हैं। ये सारी वजह से हमने इसको जमीन पर नहीं फैला के उसको ऊपर किया है। अभी दूसरे तरीके में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि हमें एपिकल डोमिनेंस यानी टॉप की ग्रोथ कम करनी है, तो हम इन ग्रो बेड में पानी देना कम कर सकते हैं। पानी कम देंगे तो क्या होगा, जो पानी खुराक को लेकर ऊपर जाता है उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा और कम ऊंचाई तक पानी खुराक को ले जा पाएगा। इससे क्या होगा कि ऊपर की ग्रोथ स्लो हो जाएगी और साइड की ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसमें फूल और फल बैठना शुरू हो जाएंगे। पर बारिश के महीने में ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा, उस तरीके में जो स्ट्रेस आता है उससे हमारे उत्पादन में भी कुछ कमी आती है। तो तीसरा तरीका हम क्या लगा सकते हैं कि जैसे हमारी बेलों को हमने इसको ऊपर चढ़ाया है, इसके बाद हम एक हाइट को ऊपर चढ़ा के या तो हम इसको मंडप पर शिफ्ट कर दें ताकि उसकी सारी बेलें ऊपर हॉरिजॉन्टल हो जाए, पर उसके खर्च काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसके बदले हम कर सकते हैं इसको यहाँ ऊपर से तोड़ ले। तोड़ने से क्या होगा, ऊपर की ग्रोथ रुक जाएगी, साइड में ग्रोथ इस तरह बढ़ती जाएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो कलियानी शुरू हो गई है, यहाँ फली भी बैठनी शुरू हो गई है ये साइड पर। तो ये करके भी आप इसको फलदाना ला सकते हैं। पर हम जो करने वाले वो थोड़ा सा इससे अलग है। हमने क्या किया है कि हम हमारी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ऊपर की उसको लॉस नहीं करेंगे, उसको खाली क्या करेंगे, हम ये जो ऊपर की ग्रोथ है उसको मोड़ के नीचे की बाजू करके इसको यहाँ लगा देंगे। इससे क्या होगा कि नीचे की बाजू उसकी फुटान कम हो जाएगी और सारी फोकस फुटान की है वो साइड ग्रोथ में होगी और फिर से हमें काफ़ी सारी फलियाँ इसमें मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे अलग अलग तरीके जिससे हम इन बेलों पर फ्लावरिंग और फ्रूट ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप भी इस तरह के तरीके फॉलो करके अपनी बेलों को छोटी सी जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आपको इस तरह के तरीके पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। आप अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करिए
ताकि वो भी इसका लाभ लेकर अपने घर में गमले में या छोटी सी जगह में बेलवर्गीय फसलों से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। और यदि आपने भी इस तरह की बेलें लगाई हुई है तो आप इसमें थोड़ा सा छोटा सा मॉडिफिकेशन करके अपने उत्पादन इस तरह बढ़ाइए। हैप्पी ग्रोइंग।